हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो गाइस, आप देख रहे हैं स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। उसके पीछे रीज़न एक ही है गाइस, क्योंकि भैया राणा जी ने इनवाइट किया और बोला है डुओ करने का। गाइस, डुओ मतलब होता है जहाँ पर दो प्लेयर खेलते हैं, बट यहाँ पर फिर तीन प्लेयर हैं गाइस। और इस बार हम तीन ही हैं, डुओ नहीं है गाइस, ये ट्रायो है गाइस। मतलब ग्रेट इवन खुद बोलेगा ये क्या हो रहा है यार, मतलब कुछ तो इज्जत रखो यार। गाइस, घास वाले पोकेमोन, पत्थर वाले, आग वाले, सारे पोकेमोन दिखेंगे आपको राणा जी की तरफ से गाइस। तो अभी देखो गाइस, आप लोग शायद एंजॉय करें। राणा जी बहुत दिनों से कह रहे थे कि यार ये ग्रेटिना को बताना है एक दिन, तो ठीक है बताओ भैया, बनाओ टीम। भाई जो टीम बनाई है, ये गेट की खटखट आवाज़ सुन लो, ये जो टीम बनाई है गाइस, ये टीम देखना तुम एक बार तुम टीम देख लोगे तो बोलोगे ये क्या चल रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग ड्रैगन टाइप पोकेमोन लेके आए गाइस, जिसमें कि हम लोग ड्रैगन टाइप अटैक कर सकें गाइस, ठीक है। हमारे रूम में एक बंदा, उसको टीवी हो गया गाइस, इट्स ओके। उसके लिए गाइस एक बार सभी लोग एफ दबा देना द चैट। सो गाइस, यहाँ पर आपको राणा जी के पोकेमोन शायद से हल्के फुल्के दिख रहे होंगे। अभी अच्छा लग रहा है कि सामने मतलब एक अच्छा पोकेमोन है गाइस, बट आप राइट साइड में अगर ध्यान देंगे शायद आपको ना दिखे। राइट साइड में भी अच्छा बोगी बनेगा इसको, आगे दिखेगा आपको, सब कुछ दिखेगा गाइस। तो भाई लोगों, हम लोगों ने ये टीम, मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ गाइस कि हम लोगों ने जो टीम यूज़ की है गाइस, ये टीम मतलब बहुत सिंपल टीम है गाइस। और ये टीम शायद गिरेटिना के लिए नहीं बनी है, मतलब मेरी टीम को छोड़ के। और एक्चुअल में राणा जी के यहाँ दो आइडिया हैं गाइस, एक आईडी से उन्होंने इन्वाइट किया था और एक आईडी से वो खुद। तो एक्चुअल में वो क्या दोनों आईडी से घुस गए, पता नहीं क्यों। सामने आप हीटरन देख सकते हो गाइस, तो ये जो इनकी आईडी हीटरन वाली है गाइस, ये इनकी मतलब एक नई आईडी है जिससे कि इन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया है गाइस, ठीक है। तो अभी आप देखो गेम बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है गाइस। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल लास्ट के जो सेकंड्स बचते हैं ना, उसमें मतलब हम लोग उसको हराएंगे गाइस। मैं एक्चुअली मैच खेलते टाइम यही सोच रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हर टाइम मेरे दिमाग में यही आ रहा था गाइस, मतलब जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे गाइस। अभी आप ट्रेनेटर देख रहे हो तो मतलब ट्रेनेटर अच्छा पोकेमोन है गाइस, बट यहाँ पर एक ऐसी टीम है जिसके पोकेमोन्स कभी कभार अपियर होते हैं, और जो अपियर होते हैं गाइस वो बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली गाइस आप समझ सकते हो कि वो कैसे पोकेमोन हो रहे हैं। वो कच्ची पुड़ी होता है ना, बचपन में खेलते थे हम लोग कि वो कच्ची पुड़ी है, वो पक्की पुड़ी है गाइस, वैसा टाइप का कुछ सीन हो रखा है। तो अभी तो मतलब बढ़िया गेम चल रहा है गाइस, मतलब 45% मतलब अभी टाइम निकला है, ज़्यादा हो गया वैसे, बट हम लोगों ने इसको 50% के लगभग हरा दिया गाइस। अभी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी लास्ट के टाइम पे गाइस। अभी क्या मेरे पोकेमोन भी बहुत तेज़ी से डैमेज हो रहे हैं गाइस। एक्चुअली मैंने यहाँ पर यूज़ किया है गाइस, स्नॉरलैक्स यूज़ किया अगली टीम में गाइस। तो स्नॉरलैक्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते वैसे, स्नॉरलैक्स आउटरेज है बट जो उसका लिक अटैक है वो इतना डैमेज नहीं कर रहा है, और आउटरेज भी आने में काफ़ी टाइम लगा रहा था गाइस। तो वो शायद से थोड़ा मेरा गलत स्टेप हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था। अभी आप देखते जाओ गाइस, एक इससे पहले रिकॉर्डिंग की जिसमें हम डुओ थे, मैं और राणा ही थे भाई, उस गेम में सीन ये हुआ था कि मेरा गेम क्रैश हो गया था। आप लोगों का भी होता होगा, अगर आप लोगों का गेम क्रैश होता है तो आप कमेंट ज़रूर करना कि हम भी रेड करते टाइम कई बार गेम से बाहर आ जाते हैं। तो वो सीन मेरे साथ हो गया था गाइस। तो अभी अपनी यहाँ पर टीम पूरी मतलब ख़त्म हो चुकी है, बहुत बढ़िया खेली हमारी टीम नो डाउट। अभी मैं ये टीम लेके जा रहा हूँ गाइस। तो ये जो स्नॉरलैक्स है गाइस, मतलब ये ऐसा पोकेमोन है कि गिरेटिना खुद इसको नहीं मार पा रहा। अगर मैं 6 स्नॉरलैक्स रख लेता ना गाइस, तो मेरी टीम कभी ख़त्म नहीं होती, टाइम ख़त्म हो जाता गाइस। स्नॉरलैक्स इज स्ट्रॉन्ग देन गिरेटिना, ये बात मैं समझ गया हूँ उस फाइट से। बट अगर कम टाइम की बात की जाए तो अभी गाइस हमारा स्नॉरलैक्स तो फिर भी लिक कर रहा है, सामने वाला स्नॉरलैक्स वो क्यों कौन सा अटैक कर रहा है गाइस। मतलब ये जो अटैक हो रहे हैं गाइस, इनसे गिरेटिना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर से बैटरी लो। तो सब कुछ ऐसे हो रहा है कि मतलब कुछ एक्सप्लेन अब क्या ही करें गाइस। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ था गाइस इस मैच में गाइस, अभी आप देख रहे हैं कि टाइम बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, बट ग्रेटिना की हेल्थ इतनी तेज़ी से कम नहीं हो रही है। तो इधर एक चीज़ आती है गाइस जो कि राणा जॉय की तरफ से होती है, वो चीज़ गाइस होती है कि वो एक अपना पोकेमोन लेके आते हैं, उसके बारे में बताएंगे अभी। तो अभी आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर स्लज बॉम्ब के अटैक किए जा रहे हैं गाइस। यार मैं यही सब देख रहा था मैच खेलते टाइम कि क्या हो रहा है, राणा जो है आर यू सीरियस, मैं सच में ही सोच रहा था ये हो क्या रहा है भाई। साइड में डिस्कॉर्ड में लिख भी रहा था, राणा भैया देखो ऐसे जीत लिए,
और गाइस अभी क्या है कि इस मैच में क्या है ना, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर ये मैच में हार जाता ना तो मुझे कुछ, मेरे पास कुछ बचता नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मेरे रिवाइवल्स खत्म हो चुके थे। कल भी रेट्स की थी, परसों भी रेट्स की थी, और गिफ्ट तो पता है तुम्हारा भाई खोलता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे अभी एंट्री होने वाली है गाइस मेगा हुंडुम की। गाइस मेगा हुंडुम ने जो पारी संभाली है ना भाई, मैं मतलब उस पोकेमोन की तारीफ करना चाहूँगा गाइस। उस पोकेमोन के एंट्री होने के बाद जो पारी संभली है ना यार, अभी भी जो उसकी हेल्थ है बहुत ज़्यादा है, 30 सेकंड वाली हेल्थ नहीं है, बट जो मेगा हुंडुम आएगा ना भाई, उसका स्टैब स्टैब बोनस जो मिलेगा ना यार, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा गाइस। ये पूरा मैच का क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मेगा हुंडुम को गाइस। बाकी ये मिल्क टैंक क्या कर रहा है भैया रेड में? अब आप बताओ यार, मिल्क टैंक कौन यूज़ करता है यार? और अटैक भी कौन कौन से हो रहे हैं भैया, इसके बारे में क्या ही बता दें हमें। तो गाइस यहाँ पर फाइनल लास्ट के 3 सेकंड जो बचे थे तब ये पोकेमोन नॉकआउट हुआ था गाइस। तो आप पूरा क्रेडिट तो मैं मेगा हुंडुम को दूंगा। मेगा हुंडुम अगर नहीं होता गाइस तो शायद हम लोग ये रेड नहीं जीत पाते, हमें ये रिमोट रेड पास का बलिदान देना पड़ सकता था गाइस। तो 14 पोकेबॉल्स मिली है, अच्छी है गाइस। मैं और राणा जो अल्ट्रा फ्रेंड है और वो शायद से वो गुड फ्रेंड है गाइस, वो आईडी इतनी मतलब फ्रेंड वाली नहीं है, तो उसका बोनस थोड़ा बहुत लगा सकते हैं जो भी है गाइस। बट तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंस था गाइस, ये मैच हम डुओ में नहीं जीत पाते, ये बात आपको दिख गई होगी गाइस। ये टीम लेके हम डुओ नहीं जीत पाते गाइस। डुओ के लिए मेरे को और राणा को बेस्ट फ्रेंड एटलीस्ट होना चाहिए था गाइस, क्योंकि ये गिराटीना है बल्कि पोकेमोन है, और हम दोनों का लेवल भी कम है गाइस। उसका लेवल 37 है, मेरा लेवल 38 है गाइस। प्लस हमारे पोकेमोन में मैक्स सीपी नहीं है। मैक्स सीपी क्यों नहीं? गरीबी, स्टारडस्ट। सो गाइस अभी हम लोग ये पोकेमोन पकड़ रहे हैं गाइस, और इसकी सबसे स्पेशलिटी क्या है गाइस, सबसे अच्छा क्या लगा मुझे इसमें, मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये पोकेमोन पकड़ने के बाद जितनी भी मेहनत थी गाइस, वो मेहनत रंग लाई है गाइस। इसकी आईवीज मतलब शानदार है गाइस, शानदार। आप वो लोग खुद देख लेना वो आईवीज यार, मतलब ये जो पास मैंने यहाँ पर यूज़ किया ये वेस्ट नहीं हुआ है। अगर बाई चांस के 2 स्टार होते तो मैं सोचता यार ये क्या हो गया, बट ओपी गाइस, ओपी का जो मेन मतलब होता है ना गाइस वो यही है भाई। ये पोकेमोन मतलब मुझे एक डाउट लग रहा था कि पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, जिस हिसाब से भाग रहा था उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि पकड़ में आ पाएगा, बट भाई मज़ा आ गया यार फाइनली। वो रेड जो भी थी बहुत मज़ा आया गाइस, जो भी पोकेमोन थे। बट मैं ये कह रहा हूँ आप लोग इजीली जीत सकते हैं 3 लोगों में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।